हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैकेनिकल के पेपर ME 208 यानी थर्मोडायनामिक एंड आईसी इंजन, उसकी जो फोर्थ यूनिट है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक के जो मेन फंडामेंटल थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा की थी। आज हम लोग इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही जहाँ भी रेफरेंस में आएगा हम थ्योरेटिकल उसका एस्पेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देखिएगा, When water is heated with rise of temperature, it consumes, मतलब इसका मतलब है जब वाटर गर्म किया जाता है तो इट कंज्यूम्स ऑप्शन ए लेटेंट हीट, ऑप्शन बी एंथैल्पी, ऑप्शन सी सेंसिबल हीट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ स्टीम में, जब वाटर हमारे पास, अगर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे और उसको हम लोग गर्म करते हैं तो 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर तक वो वाटर गर्म होता रहता है, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, और इस दौरान वाटर को जो दी गई हीट है वो कहलाती है सेंसिबल हीट। तो क्योंकि इस समय वाटर का टेम्परेचर राइज होता है, उसका फेज चेंज नहीं होता वाटर, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के बाद उसका फेज चेंज होने लगता है। तो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वाटर को गर्म किया जाता है तो जो दी गई हीट है वो कहलाती है सेंसिबल हीट, क्योंकि सेंसिबल हीट का यानी इसका जो इसका इफेक्ट होता है वो इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का जो करेक्ट आंसर है, व्हेन वाटर इज हीटेड विद राइज ऑफ टेम्परेचर इट कंज्यूम्स, ऑप्शन ए लेटेंट हीट, ऑप्शन बी एंथैल्पी, ऑप्शन सी सेंसिबल हीट और ऑप्शन डी ना, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेंसिबल हीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन वाटर इज हीटेड विदाउट राइज ऑफ टेम्परेचर इट कंज्यूम्स, ऑप्शन ए लेटेंट हीट, ऑप्शन बी एंथैल्पी, ऑप्शन सी सेंसिबल हीट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जब वाटर को 0 से 100 डिग्री तक गर्म करते हैं तो जो हीट दी गई हीट कहलाती है सेंसिबल हीट, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का फेज चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद दी गई जो भी हीट है वो कहलाती है लेटेंट हीट, क्योंकि इस समय जो दी गई हीट है वो उससे उसका वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर उतना ही रहता है लेकिन फेज चेंज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड, When water is heated without rise of temperature, it consumes latent heat. Option A, latent heat. यानी latent heat से वो हीट है जिससे कि वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, केवल उसका फेज चेंज होता है। थर्ड क्वेश्चन, When dry saturated steam is further heated, its dryness fraction, option A increases, option B decreases, option C remains same और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो साथियों, ड्राइनेस फ्रैक्शन वो मेज़र है जो उसमें स्टीम कितनी ड्राई है, कितनी सैचुरेटेड है उसका मेज़र है। फुली सैचुरेटेड स्टीम होती है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन एक होता है, और जो पूरा वाटर होता है उसका जीरो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है। तो इनके बीच में जो वेट स्टीम होती है जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज फर्दर हीटेड इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी एक ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है उसको फर्दर हम हीट करते हैं, यानी जो प्रोसेस कहलाता है, जो फेनोमेना कहलाता है सुपर हीटिंग। ड्राइनेस फ्रैक्शन सैचुरेटेड स्टीम के बाद हीट करना सुपर हीटिंग। तो साथियों, इस समय क्योंकि जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑलरेडी एक है, तो उसको सुपर हीट करने से भी कोई ऐसा उसमें चेंज नहीं होगा, तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन रिमेन द सेम, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑप्शन ए 2157 किलो जूल पर केजी, ऑप्शन बी 2257 किलो जूल पर केजी, ऑप्शन सी 2457 किलो जूल पर केजी और ऑप्शन डी नन। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं जो लेटेंट हीट होती है स्टीम की वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है 2257 किलो जूल पर केजी। इस फिगर को आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया 2257 ऑप्शन नंबर बी 2257 किलो जूल पर केजी, ये होती है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसिबल हीट ऑफ वाटर इज ऑप्शन ए ग्रेटर देन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, बी लेस देन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ऑप्शन सी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम और ऑप्शन डी नन। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो सेंसिबल हीट है वो कम होती है क्योंकि सेंसिबल हीट का यूज होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, जबकि लेटेंट हीट का जो यूज में आती है उसको इंटरनल पानी की बॉन्डिंग ब्रेक करके उसको कन्वर्ट करना वेपर में। तो लेटेंट हीट हमेशा ज़्यादा होती है सेंसिबल हीट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का दैट सेंसिबल हीट ऑफ वाटर इज लेस देन द लेटेंट हीट ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये बड़ा सामान्य क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, यानी ऑप्शन ए इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द एंथैल्पी ऑफ स्टीम, इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन द सेम और फोर्थ है नन। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंथैल्पी ऑफ स्टीम पे इसका प्रभाव होता है कि वो डिक्रीज होती है, यानी ऑप्शन बी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन Dryness fraction of steam can be accurately found with option A separating calorimeter, option B throttling calorimeter, option C separating and throttling calorimeter और option D none of the above। तो dryness fraction को जो accurately measure करने के लिए हम लोग use करते हैं separating and throttling calorimeter। Next question है the dryness fraction of superheated steam is ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड ड्राइनेस फ्रैक्शन सुपरहीटेड स्टीम का भी एक ही होता है, वो उतना ही होता है जितना फुली सैचुरेटेड स्टीम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, लेस देन द एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, ग्रेटर देन द एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स एंथैल्पी जो होती है सैचुरेटेड स्टीम की वो ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, मतलब जो वेट स्टीम होती है उससे ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। तो साथियों इस तरह आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया एमसीक्यू ऑन यूनिट 4 और नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।